मोस्ट ऑफ द वुमेन आई सी, उनमें डायबिटीज का इंसिडेंस आज की तारीख में शहरी वुमेन में 40% तक पहुंच गया है। देर आर अ फ्यू थिंग्स जो आपकी लाइफ में रूटीनली आ जाते हैं, जिसके चलते आपको हार्ट की प्रॉब्लम और ओवरऑल हेल्थ की प्रॉब्लम्स बहुत हो जाने के चांसेस होते हैं। आई नो सो मेनी वुमेन हु वुड स्टार्ट ऑफ बिफोर मैरिज, स्लिम लेडी, बिल्कुल स्लिम सी, बिकॉज कॉलेज जा रही थी, पढ़ाई कर रही थी, स्लिम सी लेडी होती है। शादी के बाद अचानक वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। अब उसमें कहने को तो बोलते हैं कि भाई परिवार का प्यार है या हस्बैंड का प्यार है, जिससे वेट बढ़ गया, तो यकीन मानिए, एक तो आपकी खुद की भी सेहत ख़राब होगी, आपका पूरा परिवार बीमार रहेगा। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फैमिलीज हेल्थ ऑल्सो। आई नो सो मेनी फैमिलीज जो कि पूरा परिवार ही बीमार है, जिनको परिवार की ही हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, जिनको परिवार का ही डायबिटीज़ और मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जस्ट बिकॉज घर पे बहुत अच्छी वाइफ है जो कि कुक बहुत अच्छा करती है। सो अच्छा कुक करना अच्छी बात है, बट पोर्शन साइज को कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। घर के अंदर में एक टिप मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि मैदा बहुत ज़्यादा बुलाएं ही नहीं, शक्कर बहुत ज़्यादा बुलाएं ही नहीं, नमक बहुत ज़्यादा बुलाएं नहीं, क्योंकि जब ख़त्म होता है तभी एहसास होता है कि मैंने कितना कंज्यूम किया। तो जो 30 साल के पर्सन का बीपी 150 रहता था, वो 120 हो गया। अगर आप ये चीज़ें रखेंगे और ये चीज़ें रूटीनली देते रहेंगे परिवार में, तो आपका परिवार बीमार रहेगा और आपको मेरे से डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। हमारा दिल एक मांसपेशी है, मसल है। मसल को जितनी कसरत कराएंगे उतने अच्छे काम करेगा, मसल को जितना आप रेस्ट देंगे वो मसल उतनी ख़राब होगी। इसलिए जब हार्ट फेल होने लगता है, पर्टिकुलरली डायबिटिक और बीपी के कारण से, ये बड़ी समस्याएं आती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पिछले 27 साल से डॉक्टर हूं। एक ट्रेंड जो मैं बिल्कुल क्लियरली देख रहा हूं कि जो हार्ट डिजीजेस हैं, हार्ट अटैक के कारण है, या डायबिटीज, ब्लड प्रेशर है, ये पूरे समाज में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पर जो समाज का एवरेज है उससे ज्यादा महिलाओं में बढ़ रहा है। पहले ये चीजें महिलाओं में बहुत रेयर हुआ करती थी, क्योंकि महिलाएं टिपिकली परिवार में बहुत एक्टिव रहती हैं, घर का सारा कामकाज करती हैं, फिजिकली संभालती हैं। सो एक कारण जो हमें साफ साफ दिखता है कि महिलाओं में पिछले 20-25 सालों में जो एक लाइफस्टाइल में चेंज आया है, दैट हैज कम बिकॉज ऑफ प्रॉस्पेरिटी। जो हमारे इंडिया में लोअर क्लास के लोग थे, अब मिडिल क्लास में आ रहे हैं। इंडिया इज बिकमिंग मोर एंड मोर मिडिल अर्निंग ग्रुप कंट्री। सो ऐसे में इतनी इनकम होती है घर में कि जो काम पहले खुद किया करते थे, आजकल टिपिकली जो शरीर वाला काम है, मेहनत वाला काम है, कि जो झाड़ू करना है, बर्तन करना है, इसके लिए कई सारे घरों में अब मेड्स हैं। कोई ना कोई एक गरीब परिवार से आता है आपके घर में, आपके लिए शरीर का काम करके चला जाता है, उसको आप पैसे देते हो। पर यकीन मानिए, शरीर का काम अगर आपने ये भी हटा दिया है अपनी लाइफस्टाइल से, तो आपके पास शरीर की एक्सरसाइज करने के लिए कोई कारण ही नहीं बचा है। और टिपिकली हाउसवाइफ्स में जब इस तरीके से लाइफ हो कि घर में आके बर्तन कोई करके गया, झाड़ू कोई करके गया, वॉकिंग मतलब कुछ भी, और कुत्ते को घुमाने कोई और आ रहा है, तो आपका शरीर किसी भी तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, अनलेस आप खुद बाहर जाएं और एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है ये बीमारियां अवॉइड करने में, डायबिटीज, बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम्स, लकवे की प्रॉब्लम्स, इन सबको बचाने के लिए एक्सरसाइज शरीर का जरूरी हिस्सा है। तो आप दिनचर्या ऐसी बनाएं जिसमें आप अपने लिए आधा से पौना घंटा जरूर निकालें। मेरा एक्सरसाइज वाला एक वीडियो है, वो भी जरूर देखिएगा, उसमें भी हमने इन बारे में बात की है। तो हाउसवाइफ्स के लिए क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है, उस पर आज हम बात करेंगे। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर। जैसा आप जानते होंगे, मैं डॉक्टर महेश वाधवानी हूँ। आई एम अ कार्डियोथोरैसिक एंड वास्कुलर सर्जन, ऑल्सो फाउंडर ऑफ अ साइट कॉल्ड एज www.cardiacsecondopinion.com। इस साइट पे हम ऐसे एडवाइस देते हैं कि किसी को यदि हार्ट का प्रोसीजर एडवाइस किया हुआ हो, तो वो प्रोसीजर कैसा है, करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, किस लेवल पे करवाना चाहिए, कौन उसमें अच्छे सर्जन या अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हैं करने के लिए, और अगर कुछ फाइनेंशियली भी काउंसलिंग हो तो हम वो भी करते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स हमारे साइट के थ्रू आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। जो आप व्हाट्सएप पे या ईमेल पे क्वेरी भेजेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। दोस्तों, आज एक नई चीज़ भी मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। हम बच्चों के दिल की सर्जरी मुफ्त में भी करते हैं। तो यहाँ पे जब हम आए तो हमारा सर्जरी बिल्कुल मुफ्त हुआ है। अब वो कैसे हुआ है, वो हमें नहीं, संस्था से हुआ है और बिल्कुल मुफ्त हुआ, एक रुपया भी हमें खर्च नहीं हुआ है इसमें। देखिए, बीमारी गरीबी अमीरी देख के नहीं आती है,
ये जो मुफ्त होता है बच्चों को, ऐसी कुछ फाउंडेशन हैं जिनके थ्रू हम ये करते हैं, और ऐसी एक फाउंडेशन का नाम है यूनिहील हार्ट केयर फाउंडेशन। ये जो हार्ट केयर फाउंडेशन है ये हमने खुद बनाई है, एंड एम फॉर दिस फाउंडेशन इज कि ऐसे बच्चे जिसका किसी और तरीके से फंडिंग नहीं हो पा रही है क्योंकि वो हाई रिस्क हैं, उनके लिए हम पैसा जुटाने की कोशिश करते हैं और उनके लिए सर्जरीज मुफ्त करते हैं। इस समय पे 30 से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनका न तो खुद की पेइंग कैपेसिटी है और ना ही कोई और ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए फंडिंग दे पा रही है। तो ऐसे बच्चों के लिए हम पैसे इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर इस चैनल का कंटेंट लाइक करते हो और आपको लगता है कि थोड़ा पैसा आपको देना चाहिए, तो आप मिनिमम 500 रुपीज का डिनोमिनेशन और अपर लिमिट कुछ नहीं है, जो भी पैसा आप इसमें डोनेट करेंगे उस पर 80G, जिसके थ्रू आपको इनकम टैक्स में रिबेट मिलती है, उसका सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा। और इस फाउंडेशन में जो भी बच्चे ऑपरेट होंगे वो आपको बहुत ही धन्यवाद देंगे। सो लेडीज़ के लिए शादी के बाद परिवार चलाना इज़ अ फुल टाइम जॉब। पीपल हु आर वर्किंग ऑलरेडी, जो पहले से काम कर रहे हैं, मेनी वुमेन डेफिनेटली लाइक टू कंटिन्यू देयर फिजिकल वर्क प्रोफेशनली ऑल्सो, जो कमाने के लिए उनको होता है। बट ट्रस्ट मी, अगर एक हाउसवाइफ है तो फैमिली कंपोजिशन, अगर फाइनेंशियल इक्वेशन हम हटा दें तो एक हाउसवाइफ से अच्छा फैमिली कंपोजिशन होना बहुत मुश्किल है। इट्स लाइक हाउसवाइफ की बजाय हाउस हस्बैंड भी हो सकता है। आई डोंट वांट टू बी सेक्सिस्ट ऑन दैट फ्रंट। एक पार्टनर काम करे और दूसरा पार्टनर काम नहीं करे तो उससे अच्छा बच्चों के लिए कुछ नहीं हो सकता इन अ न्यूक्लियर फैमिली। जहाँ ज्वाइंट फैमिली आ जाए, ऑफ कोर्स इट मेक्स अ सेंस कि अगर दोनों काम करें और ग्रैंड पेरेंट्स संभालें बच्चों को, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। बट बच्चों को पालने के लिए जो सेक्रीफाइस या तो ग्रैंड पेरेंट्स करते हैं या हाउस हस्बैंड या हाउस वाइफ करती हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ में। बट इसी प्रोफेशन के चलते देर आर अ फ्यू थिंग्स जो आपकी लाइफ में रूटीनली आ जाते हैं, जिसके चलते आपको हार्ट की प्रॉब्लम और ओवरऑल हेल्थ की प्रॉब्लम्स बहुत हो जाने के चांसेस होते हैं। तो आज उनसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, सबसे जरूरी चीज जो होता है कि जो शेड्यूल होता है लाइफ का, अब बच्चों को स्कूल भेजना है उस दौरान तो सब बढ़िया है, एक रहता है कि भाई स्कूल के हिसाब से आप आधा घंटा पहले, एक घंटा पहले उठे, उसके बाद सारा काम किया, बच्चों के स्कूल के साथ आपने लाइफ सिंक्रोनाइज कर ली और उसके साथ ही आप काम करते रहे, ये तो होता है। बट एक बार बच्चे बड़े हो जाएं, कॉलेज में पहुंच जाएं या प्रोफेशनली कहीं और आगे बढ़ जाएं, तो एक शेड्यूल बनाना एक हाउसवाइफ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक शेड्यूल और डिसिप्लिन बनाए रखना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उस शेड्यूल के बगैर, उस एक पैटर्न के बगैर आप अगर लाइफ जीने की कोशिश करें तो बहुत चीजें रैंडमली भी होती हैं। सबसे बड़ा इशू जो वुमेन के साथ आता है कि जब हाउसवाइफ होते हैं तो वो घर के अंदर ही रह जाते हैं। अब घर के अंदर रह के आप अपना एक सोशल वेलबींग, मेंटल वेलबींग और सबसे ज्यादा जरूरी फिजिकल वेलबींग के लिए मेहनत नहीं कर पाते। आई नो सो मेनी वुमेन हु वुड स्टार्ट ऑफ बिफोर मैरिज, स्लिम लेडी, बिल्कुल स्लिम सी, बिकॉज कॉलेज जा रही थी, पढ़ाई कर रही थी, स्लिम लेडी होती है। शादी के बाद अचानक वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। अब उसमें कहने को तो बोलते हैं कि भाई परिवार का प्यार है या हस्बैंड का प्यार है जिससे वेट बढ़ गया, बट यकीन मानिए दिस इज जस्ट द चेंज ऑफ योर लाइफस्टाइल। जो आप पहले कॉलेज जाते थे, स्कूल जाते थे, घर से बाहर निकल के एक्टिविटी करते थे, वो एक्टिविटी बंद हो गई, आप घर पे रह गए, इसलिए आपका वजन बढ़ गया, सिंपल। सो अगर आप घर पे कन्फाइंड हैं, घर से बाहर निकलना आपका ज्यादा नहीं होता है, तो आपकी डाइट को आपको ड्रामेटिकली कम करना होता है। हाउसवाइफ्स आर द वंस जिनके थ्रू मैं ये मैसेज हर किसी को पहुंचाना चाहूंगा, मेरा शुगर वाला वीडियो जरूर देखिएगा। शुगर एक जहर है जो आप रोज खा रहे हैं और वही मीठा जहर आपकी जिंदगी में आगे जाके बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला है। मोस्ट ऑफ द वुमेन आई सी, उनमें डायबिटीज का इंसिडेंस आज की तारीख में शहरी वुमेन में 40% तक पहुंच गया है, बिकॉज शुगर खाते रहने की और शुगर से चीजें बनाने की हैबिट बन जाती है। वी स्टार्ट थिंकिंग ये अच्छी चीज है। अब देखिए, मीठा महीने में एक बार खाए, हफ्ते में एक बार खाए, ठीक है, पर अगर मीठा रोज खाने लगेंगे तो यकीन मानिए, एक तो आपकी खुद की भी सेहत खराब होगी, आपका पूरा परिवार बीमार रहेगा। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फैमिलीज हेल्थ ऑल्सो। सो मीठी मीठी चीजें बनाना अच्छा लगता है, तारीफ खूब मिलती है, पर उसके चलते सेहत बहुत खराब होती है। टॉफीज, चॉकलेट्स, मीठा खाना जहां तक हो सके अवॉइड करवाइए, अपने परिवार में बंद कीजिए। आई नो सो मेनी फैमिलीज जो कि पूरा परिवार ही बीमार है,
जिनको परिवार की ही हार्ट प्रॉब्लम्स है, जिनको परिवार का ही डायबिटीज और मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जस्ट बिकॉज घर पे बहुत अच्छी वाइफ है जो कि कुक बहुत अच्छा करती है. सो अच्छा कुक करना अच्छी बात है, बट पोर्शन साइज को कंट्रोल करना भी जरूरी है. अगर आप बहुत अच्छा कुक करती हैं तो डेफिनेटली अमाउंट कम बनाए, अमाउंट ज्यादा मत बनाए, एटलीस्ट कंट्रोल द पोर्शन साइज. इस चीज में मैं एग्जांपल हमेशा फ्रेंच लोगों का देता हूँ. फ्रेंच कुजीन इज सच जिसमें कि बहुत सारा ऑयल, बहुत सारा मैदा, बहुत सारी फैटी चीजें यूज होती हैं, पर उनका पोर्शन साइज इतना कम होता है कि फ्रांस में इन चीजों की घटनाएं बहुत कम है कंपेयर टू मेनी अदर यूरोपियन कंट्रीज. घर के अंदर में एक टिप मैं जरूर देना चाहूंगा कि मैदा बहुत ज्यादा बुलाए नहीं, शक्कर बहुत ज्यादा बुलाए नहीं, नमक बहुत ज्यादा बुलाए नहीं, क्योंकि जब खत्म होता है तभी एहसास होता है कि मैंने कितना कंज्यूम किया. अगर आपके पास नमक का बहुत सारा स्टोर पड़ा हुआ है तो आपको रियलाइज ही नहीं होगा अगर आप ज्यादा नमक यूज कर रहे हैं तो. आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ माय ओन फैमिली मेंबर्स, जिनमें कि हमारे अलग अलग फैमिलीज अलग अलग जगह पर रहते हैं, तो एक घर में नमक ज्यादा यूज होता है, दूसरे में कम होता है. सो पर्टिकुलर मेंबर ऑफ माई फैमिली एंड फ्रेंड्स बीपी बहुत ज्यादा हाई था, एक महीने के लिए हमारे घर में रहने आया और नमक कम कंज्यूम करना शुरू किया. तो जो 30 साल के पर्सन का बीपी 150 रहता था वो 120 हो गया. नमक से इतना ज्यादा फर्क पड़ता है आपके ब्लड प्रेशर पे, और वही ब्लड प्रेशर आपके हार्ट को फेल करने वाला है. इस मामले में मैंने बीपी पे वीडियो बनाया, आप वो देख सकते हैं. बट घर के खाने को लेके जो वाइफ का कंट्रोल होता है या हाउसवाइफ का कंट्रोल होता है, उससे अच्छा कंट्रोल कोई नहीं कर सकता. घर में मैगी, घर में बाजारी बिस्किट्स, बाजारी नमकीन, ये चीजें ऐसी हैं जो कि हटा ही दीजिए, रखिए ही मत. अगर आप ये चीजें रखेंगे और ये चीजें रूटीनली देते रहेंगे परिवार में, तो आपका परिवार बीमार रहेगा और आपको मेरे से डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी. अगर इन चीजों से आप दूर रखेंगे अपने परिवार को, तो आपका परिवार ज्यादा स्वस्थ रहेगा. फ्रेश फ्रूट, फ्रेश सब्जियां, फ्रेश फल जितना ज्यादा हो सके खिलाइए. छोटे बच्चों को तो डेफिनेटली आई विल गिव अ एग्जांपल कि अगर बच्चा छोटा है, जब तक स्कूल नहीं गया है, उसको शक्कर दीजिए. अगर आपने शक्कर दी ही नहीं, तो वैसे ही बच्चा जब पहली बार बाहर बाजार का मीठा खाएगा, वो उसको पसंद ही नहीं आएगा, बिकॉज उसका टेस्ट ऐसा डेवलप हो गया है. दूसरी बड़ी चीज होती है कि आप कितने भी बिजी हों हाउसवाइफ रहते हुए, आपके परिवार में कितने भी लोग हों, कसरत के लिए जरूर समय निकालिए. एक्सरसाइज इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर आप घर के अंदर ही कन्फाइंड हैं, अगर आप आधे घंटा निकाल सकती हैं, 45 मिनट्स निकाल सकती हैं अपने लिए, तो आप लंबा और स्वस्थ जिएंगे. वरना टिपिकली जो मैं देखता हूँ हाउसवाइफ्स, वो अगर मैं दो सीढ़ी चढ़ने को बोलूँ, दो फ्लोर सीढ़ी चढ़ने को बोलूँ, तो नहीं चढ़ पाती हैं, सांस फूल जाती है, क्योंकि आदत ही नहीं है. हमारा दिल एक मांसपेशी है, मसल है. मसल को जितनी कसरत कराएंगे उतने अच्छे काम करेगा, मसल को जितना आप रेस्ट देंगे वो मसल उतनी खराब होगी. तो दिल से काम करवाते रहने का तरीका यही है कि जो भी चीज आपको पसंद हो, अब आपको डांस करना पसंद है तो आप आधा घंटा 45 मिनट्स डांस कर सकते हैं. अगर आपको एक्सरसाइज करने के लिए जिम आसपास में अवेलेबल है तो जिम जाइए. अगर आपको साइकिलिंग करना है तो साइकिलिंग कीजिए, स्विमिंग करना है तो स्विमिंग कीजिए. पर कोई ना कोई 30 से 45 मिनट की डेली एक्सरसाइज पकड़िए, कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए जहां आपके हार्ट की रेट अच्छे से 150-160 तक जाए, और उसको उस 20 मिनट तक के पीरियड में हम मेंटेन करें. इसी को हम कार्डियो वर्कआउट बोलते हैं. सो एक्सरसाइज फॉर हाउसवाइफ्स इज अ अनकन्वेंशनल थिंग जो कि इंडियन परिवारों में बहुत होती नहीं है, और इसके चलते महिलाओं का जो 20 से 40, 45, 50 तक का फेस तो अच्छे से निकल जाता है. बाद में कभी कोई एक्सरसाइज नहीं हुई, इसलिए जब हार्ट फेल होने लगता है, पर्टिकुलरली डायबिटिक और बीपी के कारण से, ये बड़ी समस्या है. लेडीज की हेल्थ को लेके एक और चीज जो मैं एक इंट्रोस्पेक्शन देना चाहूंगा कि जब तक आपके हार्मोन्स एक्टिव हैं, जब तक मेनोपॉज नहीं आया है, महावारी बंद नहीं हुई है, तब तक के लिए योर हार्मोन्स आर हेल्पिंग यू वेरी मच इन द कार्डियक डिजीज. हार्ट डिजीज में वो आपको बहुत मदद कर रहे हैं हार्मोन्स. बट जैसे ही मेनोपॉज हुआ, जैसे ही महावारी बंद हुई, उसके बाद में ये बीमारी बहुत तेजी से एक्सेलरेट करके आती है. तो मोस्ट ऑफ द वुमेन 45-50 के बाद में, आजकल जो भी कल्चर चल रहा है, यूजुअली उनकी या तो बहुएं आ चुकी होती हैं, तो वो सास बन जाती हैं. उल्टा शरीर का काम और कम हो जाता है, जो अब तक घर में काम कर रहे थे वो भी छूट जाता है. सो ये फेज वो है, ये काम वो है, जब आपकी बहू आए तो आप एक्सरसाइज करने बाहर निकलिए. ऐसा मत सोचिए कि आप बहू को अपना मतलब बैठ जाएंगे. अगर बैठ गए तो शरीर खत्म. किसी भी कारण से कोई भी लेडीज अगर अपना काम कोई और अब कर रहा है, मैं बस बैठ के खाऊंगी, ये वाली मेंटेलिटी जिस दिन ले आई, आप यकीन मानिए आपका दिल, आपका शरीर पूरा खराब हो जाएगा. डायबिटीज, बीपी, थायराइड की प्रॉब्लम, ये सब इकट्ठी आपके पास आएंगी.
इनको अवॉइड करने का तरीका ही यही है कि कसरत करते रहें, एक्टिव बने रहें, खाना कम पोर्शंस में खाएं, स्ट्रेस को हैंडल करना सीखें। अब हाउसवाइफ के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है कि मेरा बेटा जो कि 7 बजे स्कूल पे जाना चाहिए था वो 7:05 पे पहुंचा, अब 7:05 पे पहुंचा, आपको स्कूल विल टेक डिसिप्लिन एक्शन, बट उसके लिए अपना बीपी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। या फिर हस्बैंड जो कि 6 बजे वापस आना था वो 6:30 बजे वापस आया। दीज आर ऑल द ट्रिवियल मैटर्स, सी देम इन अ ट्रिवियलिटी प्लीज। आप एक पर्सपेक्टिव हमेशा रखिए, वो पर्सपेक्टिव के बगैर लाइफ जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। छोटी छोटी बातों का टेंशन मत लीजिए, छोटी छोटी बातों का टेंशन लेती रहेंगी तो इवेंचुअली वो आप ही के शरीर को खराब कर रहा है, वो स्ट्रेस लेवल आपको ही हार्ट डिजीज दिलाएगी। सो जब मेंसेस खत्म हो जाते हैं और हॉर्मोन्स में हमारे चेंजेस आते हैं उस समय पे, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हॉर्मोन्स भी हमारी मसल श्रिंक हो रही हैं, साथ ही साथ एक पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम भी आता है जिसके चलते डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस भी बहुत आती हैं। दिस इज द मेक और ब्रेक टाइम फॉर एनी वुमन, कि उस समय पे अगर हैबिट जैसी बनी वो लाइफ लॉन्ग बनी रहेंगी। सो अगर आपके परिवार में ऐसा सिचुएशन है कि अब बहू आ गई है, घर बहू देख रही है, अगर आपके परिवार में प्रॉस्पेरिटी है, पैसे हैं, नौकर बहुत सारे हैं, तो आप कम से कम उस लिबर्टी का ये फायदा तो जरूर उठाइए कि आप एक्सरसाइज करने बाहर निकले, एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अब तो कई सारे कैंसर्स को भी इसी चीज से लिंक किया जा रहा है कि जो डायबिटीज और हाइपरटेंशन है, साथ ही साथ जो हम बैठे रहते हैं उनका कैंसर से भी लिंक निकल के आ रहा है। तो हार्ट डिजीज के अलावा कैंसर भी एक बड़ा कारण बनता जा रहा है महिलाओं की हेल्थ खराब होने के लिए। इन सब बातों का भी ध्यान रखना इक्वली जरूरी है। तो जस्ट टू समराइज, हाउसवाइफ्स के लिए जो जरूरी पॉइंट्स हैं इस टॉक से जो भी आपने सीखना है, एक, स्ट्रेस कम रखिए, बहुत ज्यादा चिंता मत कीजिए, चीजें चलती हैं जिंदगी में, चलती रहेंगी, छोटी छोटी बातों की चिंता नहीं करना है। दूसरा, डाइट, खाना बहुत जरूरी है, जीवन का हिस्सा है, और इस जीवन के हिस्से में आप हैं जो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। आपने अगर कंट्रोल छोड़ दिया तो बाकी सबकी सेहत भी खराब होनी है, आपके परिवार की भी सेहत खराब होनी है। तो शक्कर, नमक, मैदा और तली हुई चीजें जितनी कम कर सकेंगे बहुत अच्छा है। बाजार से लाई हुई चीजें ना के बराबर हो, महीने में एक बार आए तो चलता है, रोज रोज बाजार से कुछ भी नहीं लाना चाहिए। बाजार के लाए हुए नमकीन, पापड़, अचार, ये चीजें तो जितनी दूर रखेंगे उतना अच्छा है, या जितना कम उपयोग करेंगे अच्छा है। तीसरी चीज, एक्सरसाइज का कोई ना कोई रूटीन बनाए, आधे घंटे से 45 मिनट तक का कुछ ना कुछ समय अपने लिए जरूर निकालें, जिसमें आप एक्सरसाइज या सोशलाइज जो भी आपको करना हो, जिसमें फिजिकल एफर्ट हो, एक्टिविटी हो, जिसमें आपकी हार्ट रेट बढ़े और मेंटेन रहे उस बढ़े हुए लेवल पे 20 मिनट तक, ये जरूर करना है। चौथी चीज, जो एक रूटीन काम खुद कर सके। अब देखिए, समाज उस तरीके से बढ़ रहा है जहां पे हाई इनकम ग्रुप होते जाएंगे सारे लोग, और इवेंचुअली जो आजकल हमारे इंडिया में एक लग्जरी है कि मेड सबको अवेलेबल है इजीली, थोड़े समय बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद वो नहीं होने वाला है। तो अपने आप को शरीर के लिए फिटनेस वैसे भी बनाए रखिए, अपने वजन का जरूर ध्यान रखें। इंडिया में नी रिप्लेसमेंट्स, घुटने बदलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगर आप अपना वजन का ख्याल नहीं रखेंगे और एक्सरसाइज नहीं की, तो हड्डियां एक मेनोपॉज के बाद में पोरस होती जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हम उसे बोलते हैं, और उससे अगर घुटने घिसने लगे तो इंसिडेंस ऑफ नी रिप्लेसमेंट्स बिकम वेरी वेरी हाई। सो एक्सरसाइज करते रहने वाली महिलाओं को और वजन मेंटेन करने वाली महिलाओं को घुटने बदलवाने के चांसेस बहुत कम रहेंगे कंपेयर टू द वुमेन जिनका वजन ज्यादा है और जो एक्सरसाइज नहीं करती है। ये भी एक जरूरी हिस्सा है आपकी सेहत के लिए। सो अगर इन सब बातों से आपको कुछ नया मैसेज मिला हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड यू कैन ऑलवेज गिव मी सजेशंस बाय कमेंटिंग इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।